दोस्तों मैं चाहूंगा शुक्ला के पास माइक दें, जिसकी बड़ी सिस्टर भी आईटी में है और ये हमारा 10th में आ गया था, लाडला छोरा हमारा, अब धौलपुर से है। प्लीज बेटा अपनी बात रखें। मैंने 9th क्लास पास करने के बाद DTSC एग्जाम दिया था CLC का, तो उसी की बदौलत मैं और मेरी बहन CLC सीकर आए थे। दीदी 11th में थी, मैं 10th में था, पर मेरा ऐसे मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था बाहर आने के लिए। मेरा ऐसे मन नहीं था कि मैं बाहर जाऊं अभी पढ़ाई करूं, मैं सोचा 11th में ही जाएंगे, पर फिर पापा ने जिद करके भेज दिया 10th में। तो ऐसे दिक्कतें आई थी काफ़ी, तो ऐसे कभी भी गिव अप मत करना। ऐसे कभी भी बाहर जाते हो ना तो दिक्कतें आती हैं, घर जैसा माहौल कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग ऐसे थोड़ा सब्र रखो, ट्रस्ट करो लोगों पर। जैसे हमने उस टाइम पर मेरे लिए KVM था जो भी था, क्योंकि मैं 10th में आया था और प्री फाउंडेशन ज्वाइन की थी, तो इतना कुछ पता नहीं था कि प्री फाउंडेशन होती क्या चीज़ है। फिर वहाँ पे गए कुछ टाइम में, फिर धीरे धीरे पता चला सब, तब फिर समझ में आया कि प्री फाउंडेशन के लिए तो 9th से आते तो और बेटर रहता, क्योंकि प्री फाउंडेशन एक वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस बनाना शुरू कर देते, हमारा बेस बनना शुरू हो जाता है। प्री फाउंडेशन काफ़ी अच्छी चीज़ रही है, मतलब मेरे लिए तो, क्योंकि मैंने सिर्फ 10th में किया ना, उससे मेरे 11th 12th काफ़ी ईजिली निकले हैं। वरना तो कई होते हैं जिनको ऐसे समझ ही नहीं आता, ऐसे हवा ही नहीं लगती कई बार, तो फिर ऐसे 10th में अच्छी परसेंट भी रही KVM से, फिर CLC में फाउंडेशन में आए, और 11th में मैं ऐसे PG में रहने लगा था, तो ऐसे PG में मेरी उतनी अच्छी पढ़ाई हुई नहीं थी। फिर मैंने ऐसे बॉस से बात की, फिर बॉस ने बोला कि ऐसे बी बिल्डिंग में आ जा, फिर बी बिल्डिंग में गए, तो फिर वहाँ पे ऐसे अच्छे से तैयारी शुरू की। फिर 12th में आके लॉकडाउन लगा था, तो वापस घर गए, फिर घर में भी मतलब नहीं होती पढ़ाई वहाँ पे, फिर थोड़े नेटवर्क इशू भी रहते हैं, तो उधर थोड़ा एरिया ऐसा है कि उधर इतना मतलब माहौल भी नहीं मिलता। तो उस 12th में तो 2020 में तो मेरा एग्ज़ाम इतना बढ़िया हुआ नहीं था, फिर दोबारा आए टारगेट की और यहाँ पे फिर लगे दोबारा से, तो बीच में भी लॉकडाउन लगा था, तो थोड़ी टेंशन हुई थी फिर से, क्योंकि अब दोबारा घर जाना पड़ गया था, फिर पहले जैसा सीन नहीं करना चाहता था। तो फिर भी बॉस ने ऐसे बुलाया फ़ोन करके कि आ जाओ ऐसे, फिर बी बिल्डिंग में रखा, वहाँ पर ग्रुप वगैरह बनाए ऐसे, ऐसे टीचर्स भी आते थे वहाँ पर डाउट सॉल्विंग के लिए हॉस्टल के अंदर ही, मतलब हमें कहीं नहीं जाना पड़ता था, तो वो काफ़ी सही लगा हमें। फिर उसी की बदौलत है कि आज इतना सब हो पाया है और बढ़िया रैंक आई है। थैंक यू।